हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओम स्टडी क्लासेस। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ओम स्टडी क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3। देखिए आज क्या करने वाले हैं, हम बता देते हैं। प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के फोर्थ से सॉल्व, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, तीन क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला मतलब ये फोर्थ क्वेश्चन क्या है, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा क्वेश्चन, हम क्वेश्चन को रीड कर देते हैं। तो देखिए, एक नगर टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। यानी एक निश्चित समय तक, निश्चित दूरी तक हम जाएंगे तो हमको भाड़ा नहीं लगेगा, और उससे ज़्यादा अगर जाएंगे हमको ज़्यादा जाना पड़ेगा, नियत से ज़्यादा जाना पड़ेगा तो हमको ज़्यादा भाड़ा देना पड़ेगा। ठीक है, 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए। तो देखिए, सपोज मान के चलिए यहाँ से यहाँ तक का भाड़ा नियत है, क्या है नियत है, फिक्स क्या हुआ है। अगर यहाँ से हम एक किलोमीटर आगे गए तो यहाँ पे मेरा भाड़ा क्या होगा, बढ़ेगा। 2 किलोमीटर गए फिर उसी रेट से मेरा बढ़ेगा, 3 किलोमीटर गए, जितना हम एक्स्ट्रा जाएंगे उतना मेरा भाड़ा क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, क्या होगा, भाड़ा बढ़ेगा। तो देखिए, 10 किलोमीटर अगर जाएंगे एक्स्ट्रा, हम 10 किलोमीटर तक गए तो कितना हमको पड़ेगा, 105 एक्स्ट्रा 10 किलोमीटर जाएंगे। अगर सपोज एक्स्ट्रा हम गए, देखिए क्या दिया, 15 किलोमीटर अगर जाएंगे, क्वेश्चन में है 15 किलोमीटर जाएंगे तो हमको कितना पेमेंट करना पड़ेगा, 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपया। एक्स्ट्रा 15 किलोमीटर जाएंगे तो 155 हमको देना पड़ेगा, और हमको 25 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाना है तो हमको कितना पेमेंट करना पड़ेगा, यानी पैसा हमको देना पड़ेगा। और नियत क्या है, फिक्स है, सपोज इसको एक्स मान लेते हैं, यानी नियत भाड़ा क्या है, फिक्स है, उसको चेंज नहीं हुआ है वो। तो देखिए कैसे ये सॉल्व होगा, माना नियत भाड़ा, नियत भाड़ा यानी फिक्स क्या हुआ जो है वो क्या है, 100 रुपया फिक्स किया हुआ है। अब देखिए, अब हम जितना आगे जाएंगे, अगर हमको माना है 1 किलोमीटर और आगे जाने का तो 1 किलोमीटर का पेमेंट पे करेंगे ज़्यादा। अगर सपोज हमको 5 किलोमीटर तक आगे जाना है, नियत जहाँ तक फिक्स किया हुआ है उससे हमको 5 किलोमीटर आगे जाना है तो 5 किलोमीटर का हमको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, ये तो जाहिर सी बात है। तो देखिए, ये नियत भाड़ा है, फिक्स क्या हुआ। अब देखिए, जितना हम आगे जाएंगे तो लिखेंगे क्या, प्रत्येक या फिर अतिरिक्त, अतिरिक्त प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा, प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा, प्रत्येक यानी प्रत्येक 1 किलोमीटर आगे जाएंगे तो 2 रुपया, और 2 किलोमीटर गए आगे तो 2 रुपया यानी 2 हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न से, अब क्या करना है, समझ में आ गया होगा कि नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा हमको कैसे देना है। पहले हम गए एक्स किलोमीटर नियत दूरी तय कर लिए जिसमें हमको भाड़ा फिक्स लगता है 100 रुपया, और 10 किलोमीटर हम एक्स्ट्रा गए तो 10y हो जाएगा, एक्स्ट्रा जितना गए y से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हमको लगता है, 105 रुपया। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। आगे देखिए, फिर नियत गए यानी फिक्स गए, एक्स्ट्रा कितना गए, 15 गए, आपकी बार 15 एक्स्ट्रा गए, मेरा लग गया 155 रुपया, 155 रुपया लग गया। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब हमको x प्लस 25y यानी 25 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाएंगे, एक्स्ट्रा कितना जाएंगे, 25 किलोमीटर, तो x प्लस 25y
बराबर उसका वैल्यू फाइंड करना है। तो पहले इस दो समीकरण से हम एक्स वाई का वैल्यू फाइंड कर देते हैं। तो देखिए किसको लेना है, अगर हम समीकरण एक को लेंगे तो उसमें देखिए 10 है, यहाँ 15 है, तो थोड़ा इजी ही है। तो समीकरण एक को लेते हैं, समीकरण एक से क्या है, एक्स प्लस 10y इक्वल टू 105। एक्स प्लस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 105, माइनस अपोजिट साइड जाएगा तो माइनस 10y हो जाएगा, इसको मान लेते हैं थर्ड। अब देखिए x का मान किस में रखेंगे, एक से निकाले x तो दो में रखेंगे, x का मान मान समीकरण दो में रखने पर, दो में रखने पर दो देखिए क्या है, एक्स प्लस 15y इक्वल टू 155, एक्स प्लस 15y बराबर 155, एक्स की जगह हमको कितना रखना है 105, माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155। अब देखिए माइनस 10 प्लस 15, 15 माइनस 10 भी लिख सकते हैं इसको, यानी 5y हो जाएगा ये 155 माइनस 105, तो 5y इक्वल टू कितना आ गया, 155 में 105 माइनस आ जाएगा तो 50 हो जाएगा, y का जो वैल्यू आ गया 50/5 यानी 10 आ गया, किसका वैल्यू, ये y का वैल्यू आ गया। अब हम यही y से किसका वैल्यू फाइंड करेंगे, x का। तो देखिए x का वैल्यू फाइंड कर देते हैं, देखिए अब x का यानी y का मान, y का मान समीकरण किस में रखेंगे, तीन में रखने पर, तीन में रखने पर, तीन में रखेंगे, तीन क्या है मेरा x इक्वल टू 105 यानी x बराबर 105 माइनस 10y, तो 105 माइनस y का मान आ गया 10, तो 10 रख दिए, 105 माइनस 100 यानी 5। अब देखिए फिक्स मेरा जो राशि आया यानी रुपया में ही, x क्या है रुपया में, देखिए भाड़ा है तो नियत भाड़ा, सब अभी देखिए नियत भाड़ा नहीं लिखेंगे, अभी हमको निकालना क्या है 25 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाएंगे तो उसके लिए हमको कितना पेमेंट करना पड़ेगा। तो देखिए 25 किलोमीटर जा रहे हैं तो लिखेंगे 25 किलोमीटर अतिरिक्त, यज्ञ के लिए भाड़ा लिख देते हैं डायरेक्ट, किलोमीटर के लिए भाड़ा बराबर क्या हो जाएगा x, फिक्स जो जाता है उससे एक्स्ट्रा जाता है कितना 25 y, क्यों किए, क्योंकि एक्स्ट्रा 1 किलोमीटर का y तो एक्स्ट्रा 25 किलोमीटर का, तो 25 इंटू y, x x का मान देखिए रख देते हैं वैल्यू 5 25 और y का वैल्यू 10, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 250 यानी 255, 255 रुपया, 25 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाएंगे तो हमको 255 रुपया पे करना पड़ेगा। x देखिए x क्या है नियत भाड़ा है यानी वो फिक्स है, उससे जितना एक्स्ट्रा जाएंगे जितना जिसको मन है एक्स्ट्रा जाने का जाए, क्या दिक्कत है अपना पेमेंट करेगा। तो आगे अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें इसको सॉल्व कर दिए हम, आगे देखिए नेक्स्ट जो है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में दो जोड़ दिया जाए, दोनों में दो जोड़ देंगे तो 9/11 हो जाती है, तो वह 9/11 हो जाती है, यदि अंश हर में तीन जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। अगर हम देखिए दो ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये 5/11, दो जोड़ देंगे तो, अगर हम तीन जोड़ देंगे तो 5/3 जोड़ देंगे तो 5/9/11 हो जाएगा, अगर हम तीन जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 5/6 हो जाएगा, जो कि आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा, हम बुक से पढ़ दिए, तो 5/6 हो जाती है, तो वह भिन्न ज्ञात करना है। तो देखिए तीन जोड़ेंगे तो कितना होगा 5/6 और दो जोड़ेंगे तो 9/11, देखिए क्या कर रहा है,
सबसे पहले हमको बताइए भिन्न क्या होता है, जिसको किसी अंश व हर के रूप में लिख सकते हैं, अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, वही भिन्न होता है। ठीक, तो माना देखिए, माना भिन्न किसके फॉर्म में रहता है, अंश बटे हर। अंश को मान लेते हैं x और हर को y, यानी x बटे y हो गया। अब देखिए प्रश्न से क्या बोल रहा है, प्रश्न हमको कुछ बोला अभी जो कि हम पढ़ के सुनाए आपको, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है सुनिएगा उसको ध्यान से और आपको उसको सोचिएगा। देखिए क्या बोल रहा है, दो जोड़ेंगे अगर किसी भिन्न में, तो भिन्न मेरा क्या है एक्स बटे वाई, दोनों में जो दो जोड़ेंगे, पूरा भिन्न में नहीं दोनों में दो जोड़ने पर कितना हो जाता है, नौ बटा ग्यारह हो जाता है। ठीक, आगे देखिए, तो पहले इसको सॉल्व कर देते हैं, देखते हैं इक्वेशन मेरा क्या आता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 11 इंटू में एक्स प्लस टू और 9 फिर वाई प्लस टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए 11x इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 11 टू 22 9y 9 टू 18। अब देखिए चार वाला को एक साइड कर लेंगे, यानी 11x इधर है और 9y को भी इधर करना है, यानी माइनस में हो जाएगा 18 पहले से अब प्लस 22 इधर माइनस 22। अब देखिए 11x माइनस 9y 18 में से 22 जाएगा तो कितना माइनस 4, इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट, इसको क्या मान लेंगे पहला। अब देखिए किसको लेना है हमको, सेकंड कंडीशन जो होने वाला है क्या होने वाला है, तीन अगर जोड़ेंगे पुनः आंसर हर में तीन जोड़े तो कितना प्राप्त होता है 5/6 इतना प्राप्त होता है। इसमें भी वही क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 इंटू क्या हो जाएगा x प्लस 3 और 5 इंटू वाई प्लस 3 तो 6x हो जाएगा, यहाँ 6 3 18 5y 15 5 3 15। अब देखिए 6x माइनस 5y अपोजिट साइड चला गया 15 माइनस 18 18 प्लस में है तो माइनस में हो गया, यानी हम इसको क्या लिख देंगे 6x माइनस 5y इक्वल टू माइनस का 3, ये हो गया इक्वेशन सेकेंड, आपको दिख रहा है। ठीक है, ये हो गया मेरा इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए जब हमको दोनों मिल गया तो अब हम एक्स वाई का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। तो चलिए फाइंड करते हैं, देखिए क्या करना है अब आपको, किसको लेना है, देखिए यहाँ पे 11 मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे क्या है 6 है तो 6 वाला को ले लेते हैं, यानी समीकरण 2 से, समीकरण 2 से 6x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 3 तो 6x माइनस 3 प्लस 5y हो जाएगा तो x इक्वल टू, अब देखिए 5y को पहले लिख सकते हैं क्योंकि प्लस में है, माइनस 3 को पीछे लिख दिए, 6 डिवाइड में हो जाएगा इधर, इसको थर्ड मान लेंगे। अब देखिए थर्ड हो गया, अब यही x का मान किस में रखेंगे, ये 2 से निकाले तो 1 में रखेंगे, यहाँ पे है तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, प्रतिस्थापन विधि है आपको ध्यान में रखना है, ग्राफ विधि हम पहले बता दिए हैं। तो देखिए 11x माइनस 9y इक्वल टू माइनस 4 यही है। अब देखिए इसको क्या करना है, 11x x की जगह कितना रखना है 5y माइनस 3/6 माइनस 9y माइनस 4, 11 जो मल्टीप्लाई होगा दोनों के साथ होगा 5y के साथ भी और 3 के साथ भी, यानी 11 5 55y हो जाएगा माइनस 11 3 33 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 9y माइनस 4, इसके नीचे कुछ नहीं देखा
अभी दोनों का क्या आ जाएगा, एलसीएम ले लेंगे हम, सिक्स आ जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा सिक्स, तो यहाँ तो कोई चेंज नहीं होगा, फाइव फिफ्टीन वाई माइनस थर्टी थ्री, वन सिक्स जा सिक्स तो नाइन सिक्स जा फिफ्टी फोर वाई माइनस फोर। अब क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फिफ्टी फाइव वाई में फिफ्टी फोर वाई कैंसिल हो गया, यानी फिफ्टी फाइव माइनस फिफ्टी फोर तो सिर्फ वाई हो जाएगा, एक वाई बचेगा माइनस थर्टी थ्री, क्रॉस मल्टीप्लाई सिक्स फोर जा ट्वेंटी फोर। अब हम वाई का वैल्यू क्या कर देंगे, माइनस ट्वेंटी फोर प्लस थर्टी थ्री तो कितना आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, थर्टी थ्री को आगे लिख देंगे ट्वेंटी फोर को पीछे, यानी थर्टी थ्री माइनस ट्वेंटी फोर तो कितना सिक्स और थ्री नाइन, यानी वाई का वैल्यू आ गया नाइन। अब यही वाई का वैल्यू किस में रखेंगे, वाई का वैल्यू समीकरण तीन देखिए कहाँ है, वहाँ है, समीकरण तीन में रखेंगे, इधर रख दें, आपको दिख रहा होगा तो देखिए लिखेंगे क्या, वाई का मान समीकरण तीन में रखने पर, तीन क्या है, एक्स इक्वल टू फाइव वाई माइनस थ्री डिवाइडेड बाय सिक्स, तो फाइव वाई, फाइव वाई का जगह नाइन माइनस थ्री डिवाइडेड बाय सिक्स, फाइव नाइन जो फोर्टी फाइव माइनस थ्री डिवाइडेड बाय सिक्स, फोर्टी टू बाय सिक्स, यानी सिक्स सेवन जा फोर्टी टू, सेवन आ गया वैल्यू। अब देखिए एक्स का वैल्यू कितना आ गया सेवन और वाई का वैल्यू नाइन, अगर हमको भिन्न का बात करें, भिन्न यहाँ पे लिख देते हैं हम, जगह नहीं बच रहा है थोड़ा, तो भिन्न बराबर क्या माने थे हम, एक्स बटे वाई, जो कि एक्स मेरा आया सेवन और वाई आया नाइन, यही मेरा नाइन जी लिख दिए, सॉरी नाइन होगा इसका नाइन, तो यही मेरा आंसर है, फ्रैक्शन में आ गया सेवन बाय नाइन, ठीक है, तो ये मेरा क्या है आंसर है। आगे अब नेक्स्ट देखते हैं सिक्स, देखिए अब लास्ट जो क्वेश्चन है 3.3 का लास्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, पाँच वर्ष बाद जैकब की आयु, एक जैकब नाम का लड़का है, जैकब की आयु, उसके पुत्र की आयु यानी पिताजी है, उसके पुत्र की आयु की तीन गुनी हो जाती है पाँच वर्ष बाद, प्रेजेंट में जो है उसके पाँच वर्ष बाद, यानी वर्तमान में जो जितना उसका आयु है उसके पाँच साल बाद उसके पुत्र की आयु की तीन गुनी हो जाती है। आगे देखिए पाँच वर्ष पूर्व यानी वर्तमान से पाँच वर्ष पहले, वर्तमान से पाँच वर्ष पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की सात गुनी हो जाती है, पहले तीन गुनी फिर सात गुनी, अगर पहले पाँच साल देखें तो कितना सात गुनी, पाँच साल पहले सात गुनी और पाँच साल बाद तीन गुनी हो जाती है, उसकी वर्तमान आयु क्या है, तो हमको दोनों की वर्तमान आयु फाइंड करना है, निकालना है, तो चलिए देखते हैं। देखिए जैकब और उसके पुत्र है, तो सबसे पहले जैकब का मानेंगे माना, जैकब की वर्तमान आयु एक्स वर्ष, ये किसका माने जैकब का, तो जैकब का हो गया, अब उसके पुत्र का भी होगा, यानी पुत्र की वर्तमान आयु वाई वर्ष, यहाँ तक किसी को समझने में कोई दिक्कत। आगे देखिए अगर हम इसमें पाँच साल ऐड कर दें, यानी पाँच वर्ष बाद, पाँच वर्ष बाद जैकब की आयु, जैकब की आयु तो कितना हो जाएगा, बाद बोल रहा है यानी प्लस हो जाएगा, एक्स प्लस पाँच, पाँच वर्ष बाद पुत्र की आयु, इसमें भी पाँच प्लस हो जाएगा, क्या कि दोनों बढ़ेगा, ये नहीं नहीं कि पिताजी बढ़ गया पुत्र नहीं बढ़ पाया, दोनों बढ़ेगा कि नहीं, तो दोनों में पाँच ऐड होगा, दोनों में पाँच ऐड कर दिए, सॉरी यहाँ वाई होगा, क्या कि पुत्र क्या है वाई है। अब देखिए प्रश्न से क्या है, प्रश्न से है कि पिताजी की आयु पांच वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की कितना गुना,
तीन गुनी हो जाती है, कितना तीन गुनी। अब देखिए ये इक्वेशन को हमको निकालना है, तो x प्लस फाइव इधर क्या हो जाएगा, थ्री बाय प्लस थ्री फाइव जो फिफ्टीन, x प्लस फाइव माइनस कर देते हैं इधर थ्री बाय को, तो x माइनस थ्री बाय हो जाएगा अपोजिट साइड ले जाएंगे तो, अब फिफ्टीन माइनस फाइव तो x माइनस थ्री बाय इक्वल टू टेन, ये इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लेंगे। इक्वेशन क्या हो गया ये पहला, आपको दिख रहा होगा। आगे हम नेक्स्ट समीकरण देखिए कैसे फाइंड करेंगे। अब बोल रहा है पांच वर्ष पहले, बात का हो गया पांच वर्ष पहले, अब पांच वर्ष पहले जैकब की आयु, जैकब की आयु पांच वर्ष पहले, यानी एक्स में से क्या हो जाएगा पांच माइनस हो जाएगा, उसी प्रकार पांच वर्ष पहले पुत्र की आयु, पुत्र की आयु यानी y माइनस पांच। फिर प्रश्न से मेरा क्या है, प्रश्न से पिता की आयु यानी x माइनस पांच, पुत्र की आयु की x माइनस y माइनस पांच कितने गुनी, सात गुनी हो जाती है, सात से उसको पूरे को मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखिए अगर हम इससे इक्वेशन निकालें तो x माइनस फाइव सेवन इंटू वाई, सेवन वाई सेवन फाइव या थर्टी फाइव, एक्स वाई वाला टर्म एक साइड रखेंगे तो प्लस वाई सेवन वाई है तो माइनस सेवन वाई, अपोजिट साइड माइनस थर्टी फाइव प्लस फाइव, तो एक्स माइनस सेवन वाई इक्वल टू, देखिए फाइव माइनस थर्टी फाइव है ही तो माइनस थर्टी हो जाएगा, इसको सेकेंड मान लेंगे। दोनों इक्वेशन मेरा निकल गया, दोनों इक्वेशन निकल गया, कोई परेशानी नहीं है। अब देखिए क्या करना है हमको, अब क्या करना है, जब दोनों निकल गया है तो हम इसको लेते हैं, देखिए यहाँ थ्री वाई है यहाँ सेवन वाई है, तो थ्री वाई वाला कुछ इजी रहेगा, यानी समीकरण फर्स्ट से एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू टेन, तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा टेन प्लस थ्री वाई, इसको मान लेंगे थर्ड। अब देखिए x का मान समीकरण किस में रखेंगे, समीकरण एक से निकाले तो दो में रखेंगे, दो में रखने पर समीकरण दो में रखेंगे, समीकरण तो क्या है मेरा x माइनस थ्री वाई सेवन वाई इक्वल टू माइनस थर्टी, तो एक्स एक्स की जगह पे टेन प्लस थ्री वाई हो जाएगा माइनस सेवन वाई माइनस थर्टी, थ्री वाई माइनस सेवन वाई माइनस फोर वाई माइनस थर्टी माइनस टेन, प्लस टेन है तो अपोजिट साइड माइनस टेन, माइनस फोर वाई माइनस फोर्टी, माइनस माइनस प्लस ऐड हो जाएगा माइनस में, माइनस माइनस कैंसिल, तो फोर वाई इक्वल टू फोर्टी, वाई इक्वल टू कितना फोर्टी बाय फोर, तो ये कितना आ जाएगा टेन टाइम y इक्वल टू टेन आ गया। अब y का मान किस में रखेंगे, यानी y का मान समीकरण तीन, तीन दिखे कहाँ है यहाँ है, तीन में रखने पर, तीन क्या है x इक्वल टू टेन प्लस थ्री वाई, तो टेन प्लस थ्री इंटू क्या हो जाएगा टेन, यानी टेन प्लस थर्टी फोर्टी। अब अगर पिता की आयु की बात करें यानी जैकब की वर्तमान आयु, देखिए यहाँ क्या लिख देंगे, जैकब की वर्तमान आयु, जैकब की वर्तमान आयु क्या माने थे x, तो कितना आ गया ये 40 ईयर यानी वर्ष 40 वर्ष, 40 वर्ष। अगर पुत्र की आयु की बात करें, पुत्र की वर्तमान आयु ये क्या माने थे y, y कितना आ गया 10 वर्ष, दोनों की वर्तमान आयु निकल गया
तो इतना ही इस क्वेश्चन में था, कोई झंझट वाला बात नहीं था। अगर ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, रीड करेंगे, तो क्वेश्चन में ही पूरा इक्वेशन दिया रहता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो उम्मीद है समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रहते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।